आइए बाबा, आप ही बोलिए। बाजदी विधानसभा क्षेत्र का ये मनियर इलाका जी, नौका बाबा से कुछ ही दूर पर सतकू बाबा का दर्शन होता है। जी जी। वैसे सतकू बाबा को लोग बुढ़वा बाबा भी कहते हैं। जी जी जी। यहाँ की मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से मन से अपनी मुराद को लेकर इस जगह पर आता है जी, और दर्शन करने के बाद उसकी हर मुराद पूरी होती है। जी जी। वैसे देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की मान्यता है यहाँ दर्शन नवरात्र में विशेष होता है। आइए बात करते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, सतकू बाबा के बारे में, बुढ़वा बाबा के बारे में एक जानकारी देंगे आपको कि ये स्थल काफ़ी प्राचीन है, कैसे कहाँ यहाँ का चमत्कार है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं जयराम जी तिवारी, यहीं का रहने वाला हूँ। ये बुढ़वा बाबा बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं, यहाँ दूर दूर से दुखिया आते रहते हैं, जैसे हो गया गोरखपुर, हो गया नेपाल, हो गया पटना, हो गया मैंने बहुत दूर दूर से आते हैं और एक एक हफ्ता यहाँ रहते हैं। जो उनकी मुर्याद होती है वो पूरा होता है। और जो सतकू ब्रह्म बाबा के यहाँ से पूजा करते हैं, यहाँ से पूजा करके नाका ब्रह्म बाबा के यहाँ लोग जाकर पूजा करते हैं और उनकी मर्यादे जो भी मन में रखते हैं वो पूरा होता है। वैसे कितने प्राचीन, कितने साल पुरानी ये मंदिर है, क्या लोग जानते हैं? कोई आकलन नहीं किया जा सकता, आकलन नहीं, इसका आकलन नहीं किया। यहाँ पहले से यहाँ पेड़ लगे होते थे और बहुत होता, अब तो बहुत विशाल मंदिर बन गया है, धर्मशाला हो गया। धर्मशाला में एनी टाइम 2000 लोग रहते हैं, वो कोई मास हो, कोई महीना हो, तो जाड़ा हो या गर्मी हो, यहाँ 2000 एनी टाइम लोग रहते हैं। ये छोटे छोटे जो देव स्थल बनाए हैं, इनकी क्या मान्यता है, लोग कैसे पूजा? ये जो बाहर से लोग आते हैं, जिनकी मनसा पूरा हो जाती है, वह अपना देवता मान करके एक मुड़ी या स्थापना करते हैं यहाँ। उस स्थापना के लिए हर नवरात्र में, हर दशहरा में आते हैं, अपना पूजा पाठ श्रद्धा अनुसार करते रहते हैं। तिवारी जी ने बताया कि सतकू बाबा, बुढ़वा बाबा का एक मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता कि कितने साल पुराना है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां से लोग यहां आते नहीं होंगे। नवरात्र का दिन आज चौथा दिन है, विशेष दिन माना जाता है। नवरात्र के दिनों में यहां मेला लगता है और मेला में काफ़ी दूर दराज से लोग हजारों की संख्या में यहां आते हैं और करीब एक सप्ताह तक इसी परिसर में निवास करते हैं, यहीं बनाते हैं, यहीं खाते हैं, सोते हैं। पूर्वांचल का ये बलिया का ये मनियर जो बांसडी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस मेला का एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि यहाँ दूर दूर से आए हुए लोग, किसी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसका रहने का स्थान नहीं मिलता है, वो बगीचे में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति को न कोई ऐसा अप्रिय घटना घटी है, न कोई सांप काटा है, न बिच्छू हुआ, ऐसा कोई अप्रिय घटना ही घट नहीं घटती है। और वो बगीचे में कहीं भी छाकर अपना सो लेते हैं, कहीं अपना दो दिन या चार दिन अपना यापन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। जिस व्यक्ति को कैसे मरिए कि किसी को अद्भुत मतलब दिक्कत हो, जैसे चरक फुट गया, चाहे इस तरह बीमारियाँ हो, वो उनको ये अवश्य ये होता है कि बाबा के हम 2 या 3 बार जाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा, और लाभ मिलता है। दवा के साथ साथ दुआ भी ज़रूरी है, दुआ यहाँ से मिलती है और दुआ से हर आदमी, हर इंसान ठीक होता है, जैसा तिवारी जी ने बताया। देखा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की देखी जाती है, वैसे पूरा परिवार एक साथ होता है, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, माताएं, बहनें, नौजवान, पुरुष, सब लोग इस मंदिर में आके दर्शन पूजन करते हैं। मनियर का नौका बाबा और सतकू बाबा एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का मान्यता ये है कि लोग देश के हर कोने से आते हैं। तो नवरात्र का चौथा दिन और चौथे दिन में आज हम सतकू बाबा के हैं, बुढ़वा बाबा के हैं, जहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।